से पहले के तेरे चश्मे करम। जरा तुम भी सोचो ऐ जाने आरज़ू, बिछड़ के ये मिलना मंजर वो क्या अजब था। मोहब्बत नहीं है फिर और क्या है। मेरे अजनबी सनम, मिले हो मगर अजनबी बन रहे हो। पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया में एक नाम एक हम आहंग उस्ताद के तौर पर खड़ा है। माजरत की निगाह बन जाए, जिसने वक्त से आगे निकल जाने वाली धुनें बनाई और मुल्क की सिनेमा की रूह पर कभी ना मिट जाने वाले नकूश छोड़े। प्यार ढल जाए मेरे अशकों में, आरज़ूए खुलाह बन जाए। मुमताज प्लेबैक सिंगर मुजीब आलम महज एक फनकार नहीं बल्कि एक कहानीकार है, जिनकी आवाज पुराने दौर की कहानियां बयान करती है। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूं तुझे। रूह को हिला देने वाली गजलों से लेकर कदमों को छू जाने वाली फिल्मों तक आलम की वर्सटाइल आवाज कई दहाइयों तक गूंजती रही, जिसने इन्हें पाकिस्तानी सिनेमा के रागों से लदे गुलूकारों में एक मजबूत मकाम दिया। मुजीब आलम 1948 को भारत के शहर कानपुर में पैदा हुए और फिर अपने वालिदैन के साथ लाहौर में सकूनत अख्तियार कर गए। उन्होंने अपने करियर का आगाज 14 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। मौसीकार हसन लतीफ ने इन्हें अपनी फिल्म नरगिस में गाने का मौका दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म रिलीज ना हो सकी। ताहम 1966 में उन्होंने फिल्म जलवा के लिए गाने रिकॉर्ड किए और 1967 में फिल्म चकोरी का सिर्फ एक गाना वो मेरे सामने मकबूल हुआ। जिन फिल्मों में इनके गाने बेहद पसंद किए गए, इनमें दिल दीवाना, घर अपना घर, जाने आरजू, तुम मिले प्यार मिला, सौगात, कसम उस वक्त की और मुतादद और फिल्में भी शामिल हैं। ये फजा हसी है इतनी, ये नशा सा छा रहा है। इन्हें साढ़ की दिहाई के वस्त में पहचान मिली और वो इंडस्ट्री के नामवर प्लेबैक सिंगर्स में से एक बन गए। उन्होंने 12,000 से जायद गाने गाए और मुतादद अवार्ड्स जीते। बुझी बुझी सी शाम है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर और बाहर सैकड़ों म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में भी परफॉर्म किया। आलम के गाने नदीम, वहीद मुराद और मोहम्मद अली जैसे फनकारों पर बनाए गए। मुजीब आलम की मौसीकी की विरासत में उर्दू, बंगाली, पंजाबी और पश्तो जबानों में तकरीबन 12 ऑडियो एल्बम्स मौजूद हैं। दुखे हुए कहीं छलकता जाम है। इनके वो गाने जिन्होंने खूब दाद समेटी, इनमें मैं तेरे अजनबी शहर में, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूं तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। फिल्म शम्मा और परवाना के लिए मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। मैं खुशी से क्यों ना गाऊं, मेरा दिल भी गा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भी गा रहा है। वो नकाब रुख उलट कर मेरे सामने ना आए। और 1967 में फिल्म चकोरी के लिए वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं। वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे, जिसकी मौसीकी रॉबिन घोष ने दी थी। ये इनके लिए एक कामयाब गाना था, जिसने इन्हें हकीकी शोहरत और पाकिस्तान में निगार अवार्ड्स हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। हर ख्वाब की ताबीर बने बैठे, जाने आरज़ू तुझे कैसे भुलाएं। इनके गीत जब भी चूम लेता हूँ आपकी महकी हुई जुल्फों को और मेरी जिंदगी है नगमा, इनके बेहद पसंद किए जाने वाले गीत हैं। अपने करियर के दौरान आलम ने मोहतरम मौसीकारों जैसे निसार बज़मी, एम अशरफ, सुहेल राणा
और दीगर के साथ काम किया, इनके तआवुन के नतीजे में आपकी महकी हुई जुल्फों को और मेरी ज़िंदगी है नगमा जैसी लाजवाल क्लासिकी फिल्में सामने आई। फिल्मों में अपनी कामयाबी के अलावा मुजीब आलम ने टेलीविज़न और स्टेज पर परफॉर्मेंसेज के मैदान में भी खासा असर छोड़ा। इनकी लाइव परफॉर्मेंसेज ने सामईन को मुस्तकिल तौर पर मशहूर किया, जो न सिर्फ इनकी आवाज़ की चमक बल्कि इनकी दिलकश स्टेज पर मौजूदगी को भी जाहिर करता है। एक दौर था जब सामईन की फरमाइश पर रेडियो पाकिस्तान से मुजीब आलम की आवाज़ में गीत नशर होते थे। इनका गीत जो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए रिकॉर्ड कराया, मेरा हर गीत है हंसते चेहरों के नाम, बेहद मकबूल हुआ। दुनिया वालों तुम्हारी दुनिया में है बेकरार तमन्ना। मुजीब आलम ने 1979 में फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली। वह निजी शोज और म्यूजिकल प्रोग्रामों में शिरकत करते थे जो पाकिस्तानी टेलीविजन और दीगर टीवी चैनल से नशर होते थे। मुजीब काफी अरसे से नॉर्थ नाजिबाबाद कराची में मुकीम थे। जून 2004 को इनकी बेटी के मुताबिक वो रात घर से निकले और जब वो सुपर हाईवे के करीब पहुंचने वाले थे कि आलम को सीने में दर्द की शिकायत हुई और इन्हें सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई। उन्होंने गाड़ी रोकी, पानी की बोतल उठाई, लेकिन स्टेयरिंग व्हील पर ही गिर गए। इनका मजीद कहना था कि इनके वालिद को सोहराब गोट के करीब एक निजी हस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। इनकी उम्र 55 बरस थी। आलम की नमाज जनाजा गुलशन मुअम्मार में इनकी रहायशगाह के करीब वाक़ मस्जिद में अदा की गई। इन्हें कराची के सखी हुसन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया, जहां इनके दोस्त प्लेबैक सिंगर अहमद रुश्ती भी आसूदा खाक। लुटे देखी है हर खुशी हमने, जब मुश्किल है कोरीना।